उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह उत्तर प्रदेश के औरैया शहर में भी अचानक कई मकानों में दरारों के बाद सजग प्रशासन ने संबंधित मकान मालिकों को नोटिस देकर उन्हें ध्वस्त करने का मसौदा तैयार किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका व जल निगम की टीमों ने मकानों में रहस्यमय तरीके से आई दरारों की जाँच कर रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी। उधर मकानों को ध्वस्त किए जाने की जानकारी मिलते ही संबंधित मकान मालिक परेशान हो उठे। कई मकान मालिकों का कहना है उन्होंने कुछ साल पहले ही नए मकान का निर्माण कराया, ऐसे में उन्हें पहले मुआवजा दिया जाए, रहने की जगह भी उपलब्ध कराई जाए। मदार दरवाजे में भवनों में दरार जाने की कल सूचना प्राप्त हुई थी, तो अपने अवर अभियंता के साथ हम लोग मौके पर देखे हैं। एक दरवाजा, एक मुख्य भवन है जो वीडियो साहब का है, वो भवन कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ है और उस भवन में ही नीचे कोई फर्श उसको खुलवा कर देखा गया तो उसमें काफी 15 फीट तक करीब ऐसी जगह है जो फर्श नीचे को चल गई है। भवन 3 मंजिल होने के कारण वो आसपास के भवन उसे सपोर्ट में है और वो कम से कम 100 वर्ष पुराने भवन लगभग बने हुए हैं। लोगों का, आसपास वालों का यह कहना कि वहाँ कोई ऐसी खत अथवा कुआं ऐसा रहा है पूर्व में जो लोग उसमें कार्यरत करते रहते थे, गेहूं और वो अपना दलहन वगैरह के साथ उसमें इकट्ठा करते थे, व्यापार करते थे, और वो जब उनकी नवीन पीढ़ी आई तो उसको बंद करके उसके ऊपर बिना रिनोवेशन के ऐसे अचानक ऊपर बिल्डिंग बना दी है जिसके कारण वो क्षतिग्रस्त हो गई है। वो मूल बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने के कारण अन्य आस पास की 4 भवन और भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो उनको अभी हम लोग धारा 263 के तहत नोटिस जारी कर रहे हैं और उनको भवन खाली कराकर गिरवाने के लिए बात किया जाएगा कि परिसंकटमय भवन है, उसे तत्काल आप लोग हटा लें, गिरवा लें ताकि कोई जनहानि न हो। सर, जो भवन खाली कराए जा रहे हैं तो इनके रहने के लिए कोई आपके द्वारा व्यवस्था की जा रही है, मुआवजे के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, इस पर हम लोग उस पर कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे क्योंकि नगर पालिका अधिनियम के तहत मेरे पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि हम किसी को पुनर्वास की व्यवस्था कराएं, लेकिन उस पर जिला प्रशासन से वार्ता की जाएगी कि अगर इनकी कोई व्यवस्था है तो उनको उस हिसाब से व्यवस्थित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। कहाँ के निवासी हो? मोहल्ला मदार दरवाजा। ये जो मकानों में जो चटकें आई हैं, फर्श नीचे को धसक गए हैं, प्रशासन की तरफ से नोटिस की बात कही गई है, मकान खाली करने की बात कही गई, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन से कि इसमें खट्टी अट्टी कुछ नहीं है, ये किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसा हो रहा है, चटकन आ गई है और इन्होंने अभी रुपये भी लगाया था मकान में, फिर भी इसमें चटकन आ गई है। मुआवजा के लिए इनको प्रशासन की मदद करना चाहिए, प्रशासन को।